कल आपने श्रवण किया कि मेरे ठाकुर ने इंद्र की जगह गोवर्धन भगवान की ब्रजवासियों से पूजा कराई। कन्हैया ने इस कथा के माध्यम से यह संकेत दिया कि सारे संसार में हर जगह वासुदेव सर्वम इति, वासुदेव सर्वम इति, केवल और केवल परमात्मा है। केवल और केवल परमात्मा का ही चिंतन करना चाहिए, उसका ही भजन करना चाहिए, उसका ही स्मरण करना चाहिए और उसका ही श्रवण करना चाहिए और उसका ही पूजन करना चाहिए। गीता में कन्हैया ने, हमारे कृष्ण ने सीधा सा कहा है, अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समाव्रता, अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समाव्रता, प्रसक्ता काम भोगेश पतंति नरकी अश्चुचो। जो भटकते रहते हैं, जिनका विश्वास परमात्मा पर दृढ़ नहीं रहता है, जिनका मन भटकता रहता है, वो कभी परमात्म प्राप्ति नहीं कर पाते हैं और वो अनेक अनेक मति से युक्त विभ्रांत होते हुए नरक को प्राप्त होते हैं। इसलिए कन्हैया ने जो पूजा की, जो भोग लगाया था, तो कन्हैया ही खिला रहा था और कन्हैया ही खा रहा था। कन्हैया ने सीधा सा संकेत दिया, संसार वाला जीव मनुष्य, न तुम किसी को खिला रहे हो, न किसी का भरण पोषण कर रहे हो, केवल और केवल परमात्मा ही सबका उत्तरदायित्व निभाए है, वही सारी जिम्मेदारी उठाए है, वही सबका भरण पोषण कर रहा है, वही सबका मालिक वही है और कोई कुछ नहीं करता है। हम तो एक कठपुतली की तरह नाच रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। इसलिए केवल और केवल परमात्मा के प्रति ही अपना समर्पण, उसी के चरणों में प्रेम होना चाहिए। जो गोपियां ब्रज की हर क्षण कन्हैया का चिंतन करती हैं, हर क्षण कन्हैया को अपने हृदय में रखती हैं, ये गोपियां कोई साधारण गोपियां नहीं है। इन्होंने अपनी हजार हजार जन्म कन्हैया के रसपान करने के लिए, उसके रस का पान करने के लिए, उसका एकात्म प्राप्त करने के लिए कुर्बान कर दिए हैं। तो कन्हैया ने एक क्रम बनाया। सबसे पहले कन्हैया ने क्या किया, सबसे पहले क्या किया बोलो? बाल लीला का वर्णन आपने सुना, श्रवण किया। सबसे पहले कन्हैया ने माखन चुराया। माखन चुराया ना, तो माखन किसे कहते हैं? माखन हमारे शास्त्र में मन को कहा गया है, मन को मक्खन कहा गया है। तो कन्हैया ने सबसे पहले गोपियों के मन को अपनी तरफ आकर्षित किया, उसके मन को चुराया। कृष्ण कौन है, मैंने बताया ना, करसत इत कृष्ण, जो अपनी तरफ खींच ले वही कृष्ण है। तो सबसे पहले कन्हैया ने गोपियों के मन को अपनी तरफ खींचा। कन्हैया ने सोचा, जिन्होंने हजार जन्म कुर्बान कर दिए, यदि इनका मन किसी भी कारण से यदि मुझ में नहीं लगेगा तो इनका ये भी जीवन बेकार चला जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। तो कन्हैया ने सबसे पहले मन रूपी माखन को चुराया, क्योंकि सबका जो नियंत्रक है, सारी इंद्रियों का, पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेंद्रिय, 10 मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 14 स्थान वासना के बताए गए, और इन सबका नियंत्रक मन है।
तो मन को, जैसे मन बताया नहीं आपको कि मन मैन स्विच है, मन मैन स्विच है, यदि इसको ऑफ कर दिया जाए तो सब ऑफ संसार का। और ये वायु की तरह बताया गया है, वायुना नियते मेघ पुनस्ते नैव नियते मनसा कल्पते बंधु मोक्षस्ते नैव कल्पते। जैसे हवा चलने से ही बादल आता है, बोलो आता कि नहीं? जब बादल आता है बहुत तेज हवा आती है, तो वायु ही बादल लाती है और वायु से ही बादल चला जाता है। बोले हवा चलने लगी इसलिए बादल चला गया, तो हवा से ही बादल आता है और हवा से ही बादल चला जाता है। ऐसे यदि ये मन संसार में लग गया तो ये पतन का कारण बन जाता है, और परमात्मा में लग गया तो ये परमात्मा से मिलाने का कारण बन जाता है, माध्यम बन जाता है। तो मन मुख्य है, इसलिए सबसे पहले कन्हैया ने मन को चुराया। उसके बाद आसक्ति रूपी मटकी को फोड़ा। अच्छा, आसक्ति मैंने बताई नहीं, जब परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव, श्री सुखदेव जी भगवान से पूछा, महाराज आसक्ति क्या है? तो श्री सुखदेव जी भगवान ने कहा कि जो आ सकती है लेकिन जा नहीं सकती, आने के बाद जाने का नाम ले ले, वही आ सकती छुटती नहीं है, फिर नहीं छुटती। इसलिए आसक्ति को खत्म किया करें, यानी आसक्ति रूपी मटकी को फोड़ा। फिर काली रूपी मन को नियंत्रित किया, वासना रूपी वस्त्रों को चुराया, वासना का पर्दा हटाया, गोवर्धन का पूजन किया। गो माने भक्ति, वर्धन माने बढ़ाना, परमात्मा के चरणों में भक्ति को बढ़ाया। अब आता है, जब इतनी चीजें शुद्ध की परमात्मा ने, तब कहीं परमात्मा से मिलने का गोपियों का अवसर आया। ये जीव परमात्मा का है, वो चैलेंज करता है, वो घोषणा करता है कि ममय वांसो जीव लोके जीव भूतो सनातन, जीव मेरा ही अंश है। अच्छा, इसका प्रमाण क्या है कि जीव परमात्मा का अंश है? देखो, जो जिसका है, जो जिसका है उसकी तरफ भागता है, भागे कभी। आपने देखा होगा कितना भी व्यक्ति भगवान को न मानने वाला हो, लेकिन कभी यदि घोर संकट जिस समय अचानक आ जाए तो उसके मुंह से भी एक बार परमात्मा का नाम निकल जाता है। इसका ये प्रमाणित करता है, ये प्रमाणित करता है कि किसी कॉर्नर में हो, कहीं हो, उसका जुड़ाव, उसका लगाव, उसका कांटेक्ट, उसके हम अंश हैं, इसका प्रमाण कहीं न कहीं जरूर छुपा हुआ है। रावण इतना नास्तिक बन गया था, राम को मानता ही नहीं था, लेकिन उसको भी अंत में जब उस भगवान ने उसे मारा तो अंत में उसके भी नाम, उसके भी मुख से प्रभु का नाम निकल गया, कहां राम रन हतो पचारी। ये प्रमाण करता है कि हम उसके अंश हैं, और जो जिसका अंश होता है वो उसमें ही मिलना चाहता है। जैसे आग को जलाओ, आग जहां कहीं भी है सूर्य का अंश है, हमारा शास्त्र, जहां कहीं भी आग जैसे जलाओगे, कहीं जलाओ चाहे गड्ढे में जलाओ, कहां जाएगी बोलो? ऊपर जाती है। जल कहीं भी है समुद्र का अंश है, जल जहां भी है समुद्र का अंश है। जल को कृत्रिम तरीके से आप कहीं भी ले जाओ, लेकिन स्वतंत्र तरीके से जिस समय छोड़ोगे तो सीधा नीचे की तरफ आएगा, वो भी समुद्र में मिलना चाहता है। तो जो जिसका अंश है वो उसमें मिलना चाहता है। आज गोपियां भी जिन्होंने अपने हजार हजार जन्म कुर्बान कर दिए हैं कन्हैया के लिए, जो व्याकुल है उसका एकाकार करने के लिए, उसके रस का पान करने के लिए, आज वो अवसर आ गया। पूर्णिमा की रात थी, चंद्रमा अपने पूरे सौंदर्य पे था, कन्हैया ने बहुत मधुर मधुर मुरली बजाई।
दृष्टा कुमुद्वं तम खंड मंडलम रमा नाभम नवकुंकमारुणम वनम च तत्कोमल गोधिरंजितम जगो कलंबाम दृशाम मनोहरम निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजये स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानस आजग्मरणोन्य मलक्षितोत्थमा शयत्र कांतो जवलोल कुंडला। और जैसे ही कन्हैया ने सुंदर मधुर मधुर मुरली बजाई तो कन्हैया से मिलने की लालसा में जो गोपियां थीं जिस अवस्था में थीं वे उसी अवस्था में भाग पड़ी। प्रेम प्रेम में ज्ञान नहीं रहता, प्रेम में देहाध्यास नहीं रहता, देह भान भूल जाना ही प्रेम की पराकाष्ठा है। आज गोपियां स्वयं को भूल गईं, जो जैसी थी वैसी भाग खड़ी, एक कान में कुंडल पहने थी दूसरे में पहनने जा रही थी वैसी भाग खड़ी हुई, आधी साड़ी पहनी आधी हाथ में वैसी भाग खड़ी हुई, कोई आटा गूंथने जा रही थी और हाथ आटा में डाला ही हुआ था, आटा गूंथ भी नहीं पाया था, उन्हीं हाथों से भाग खड़ी हुई, कोई जल भरने जा रही थी घड़ा डाला ही था वहीं से भाग खड़ी हुई। जो जिस अवस्था में थी उस अवस्था में ही गोपियां भाग खड़ी हुई। कोई उठी दौरी कोई भूल गई पौरी, कोई उठी दौरी कोई भूल गई पौरी, कोई बौरी भई कौरी भरे कदम हुके डाल की। समझ नहीं पाए सब भूल गई, कदम को ही कन्हैया समझ बैठे। आहा क्या बात, जिसे कणकण में परमात्मा के दर्शन होने लगे समझ लो वो प्रेम की पराकाष्ठा पार कर गया है, पार कर गया है। कदम को ही कन्हैया समझ बैठे। कोई उठी दौरी कोई भूल गई पौरी, कोई बौरी भई कौरी भरे कदम हुके डार की। कोई खुले बाल कोई भूषण बिहाल भागी, तज के श्रृंगार सुधि भूली सब माल की। कोई गई कुंजन कोई कानन को दौरी गई, कोई गई घाटन कोई बाटन बिहाल थी। सारी ब्रजबाला कठपुतरी सी नाच रही, ऐसी ऐसी आज बंसी बजी नंद जू के लाल की, ऐसी आज बंसी बजी नंद जू के लाल की। सब अपना देहाध्यास भूल गई, और देहाध्यास भूलना ही एकात्म होने की पहली सीढ़ी है, पहला डंडा है। भाग करके पहुंची कन्हैया के पास। देखो परमात्मा से मिलने की ये सब लक्षण गोपियों के माध्यम से हमें बताए गए हैं। परमात्मा की प्राप्ति जैसी गोपियों ने की, जैसी गोपियों की स्थिति हो जाए, वैसी जब स्थिति हमारी बन जाए समझ लो उसी दिन परमात्मा को मिलते देर नहीं लगेगी। एक शिष्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी एक बात बताओ भगवान कैसे मिल सकता है, कैसे मिलेगा, उसका क्या उपाय है, कितनी तड़पन चाहिए। तो गुरुजी ने कहा बता दूंगा। तो एक दिन शिष्य को लेकर के गुरुजी गंगा स्नान पहुंचे और दोनों लोग गंगा जी में स्नान करने के लिए घुसे, शिष्य भी घुसा। तो गुरुजी ने
कहा डुबकी लगाओ गंगा जी में। शिष्य ने जैसी डुबकी लगाई तो गुरु जी ने शिष्य की गर्दन को पकड़ लिया। अब शिष्य डुबकी अंदर लगाए, गुरु जी अंदर गर्दन दबाए, शिष्य निकलने के लिए छटपटाने लगा और जब प्राण निकलने लगे तो शिष्य ने एकदम बहुत तेज ताकत लगाई, गुरुजी ने हल्का हाथ कर दिया, निकला। बोले गुरुजी लगता प्राण ही चले जाएंगे, अगर आप छोड़ते ना तो हमारे प्राण ही चले जाते। तो गुरुजी ने कहा जैसी तड़पन आपको प्राण निकलने के समय हुई, इतनी ही तड़पन जिस दिन तुम्हें परमात्मा से मिलने के लिए हो जाएगी उसी दिन कन्हैया तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, उसी दिन ठाकुर तुम्हारा हो जाएगा, उसी दिन। आज सारी गोपियां कन्हैया के सामने खड़ी, मध्य रात्रि कन्हैया ने कहा सौभाग्यवती गोपियों तुम क्यों हमारे पास आई हो इतनी रात में, तुम वापस चली जाओ। गोपियों ने कहा कन्हैया हम वापस नहीं जाएंगे, इस दिन के लिए तो कन्हैया हमने हजारों हजार अपने जन्म कुर्बान किए, हमने सब कुछ आपके लिए छोड़ दिया, हमने कुल कान मर्यादा कुल लोक लज्जा पति परिवार पुत्र सब कुछ आपके लिए छोड़ दिए और आप मुझे वापस भेज रहे हो कन्हैया, अब हम वापस नहीं जा सकते, अब वापस नहीं जाएंगे। कन्हैया ने बहुत समझाया गोपियों तुम वापस हो जाओ, तुम क्यों अपने पतियों को छोड़कर के रात्रि में मेरे पास चली आई। तो गोपियों ने कहा हम लौट जाएंगी कन्हैया, लेकिन हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे दो, हम अभी चली जाएंगे। कन्हैया ने कहा अच्छा बताओ कौन सा प्रश्न है। तो गोपियों ने कहा कन्हैया सुनो, एक पति पत्नी थे, तो पत्नी अपने पति को बहुत चाहती थी, पति किसी कारणवश उसे बाहर जाना था, तो पत्नी ने कहा आप बाहर जा रहे हो और बहुत समय के लिए जा रहे हो तो हम कैसे रहेंगे आपके बिना, क्या करेंगे। तो पति ने कहा कोई बात नहीं, हम फोटो तुमको एक दिए जा रहे हैं, इस फोटो को रख लेना और उसी के अनुसार काम करना। पत्नी ने पति का फोटो रख लिया और उसी के अनुसार वो गृह कार्य करने लगे। कन्हैया बहुत दिन हो गए और उसके बाद उसका पति बाहर से लौट आया, घर पे आ गया। कन्हैया अब हमें बताओ कि जब उसका पति लौट आया तो वो पत्नी फोटो के अनुसार काम करे या जो पति लौट आया पति के कहने के अनुसार काम करे। तो कन्हैया ने कहा फोटो की क्या जरूरत, अब तो जो पति लौट आया है उसके अनुसार कार्य करने चाहिए, जब असली पति आ गया तो फोटो की क्या जरूरत। तो गोपियों ने कहा कन्हैया ये जितने पति हैं ये सब संसार के फोटो हैं, असली पति तो आप हैं, त्रिभुवन पति तो आप हैं, ये पति एक दिन छूट जाएंगे लेकिन आप ऐसे पति हैं जो कभी नहीं छूटेंगे। कन्हैया जब असली पति मिल गया तो इन संसार के नकली पतियों की अब क्या जरूरत रही। कन्हैया चुप हो गया, मूक हो गया। जब मूक हो गया कन्हैया तो गोपियों ने कहा प्यारे एक बात सुनो, हम अगर आप हमें लौटाना चाहते हो, आप हमें अपनाना नहीं चाहते, आप अपना प्रेम रस हमें नहीं देना चाहते। कन्हैया कोई बात नहीं, लेकिन हम जानती हैं कि हम प्राण त्याग करके भी यही प्राण त्याग करके भी तुम्हें प्राप्त कर सकती हैं, लेकिन कन्हैया हम प्राण इसलिए नहीं त्याग रही हैं कि तुम्हारी कीर्ति में कलंक न लगे, तुम्हारी कीर्ति में कलंक न लगे, इसलिए हम प्राण नहीं त्याग रही हैं, नहीं तो कन्हैया हम प्राण त्याग करके भी आपको प्राप्त कर सकती हैं।
जब गोपियों ने ऐसा कहा तो कन्हैया ने कहा ठीक है गोपियों, अब तो सारी गोपियां प्रसन्न हो गईं, बहुत खुश बहुत प्रसन्न। इधर नारद जी ने सुना कि आज कन्हैया महारास लीला करने जा रहा है, आज गोपियों और कन्हैया का मिलन होगा, आज आत्मा और परमात्मा से मिलन होने जा रहा है, आज गोपियों की जन्मों जन्मों की जो इच्छा है पूर्ण होने जा रही है, इस महारास लीला का मैं भी दर्शन करूंगा। तो नारद जी महारास लीला में पहुंचे, दरवाजे पर दो गोपियां बैठी हुई थी। गोपियों ने कहा नारद जी आज आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। क्यों, हम क्यों नहीं कर सकते? गोपियों ने कहा नारद जी अंदर कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता, अंदर तो केवल स्त्रियों का प्रवेश है। तो नारद जी ने कहा अच्छा, लेकिन हमें तो प्रवेश करना है, कोई ऐसी व्यवस्था है कि हम स्त्री बन जाएं? तो गोपियों ने कहा हाँ नारद जी, राधा कुंड है, इस राधा कुंड में आप स्नान करेंगे तो स्त्री बन जाएंगे। तो अगर आप अंदर प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको स्त्री बनना पड़ेगा। नारद जी ने उस राधा कुंड में स्नान किया और नारद जी स्त्री बन गए, नारद जी को प्रवेश मिल गया। इधर पार्वती जी भी तैयार हो रही हैं। पार्वती जी तैयार होने लगी तो भगवान भूत बावन भोलेनाथ ने पूछा पार्वती जी आज इतनी विशेषता तैयार क्यों हो रही हो, क्या बात है, कहां जाना चाहती हो? तो पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ तुम्हें नहीं मालूम है आज कन्हैया वृंदावन में महारास करने जा रहा है, उसका दर्शन करने में जा रही हूं। भोले बाबा ने कहा तो क्या मैं नहीं चल सकता उस महारास लीला का दर्शन करने, मैं नहीं चल सकता? तो पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ वहां तो केवल स्त्री जा सकते हैं, स्त्री जा सकते हैं और कोई नहीं जा सकता। तो भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं, हम स्त्री बन जाते हैं। पार्वती जी ने कहा स्त्री? बोले हाँ, अरे जो मेरे लिए स्त्री बन सकता है उसके लिए मैं 100 बार स्त्री बन सकता हूं। भोले बाबा ने कहा, पार्वती जी ने भोले बाबा को सुंदर रेशमी साड़ी पहनाई, स्त्री बना दिया और भोले बाबा पार्वती जी के साथ महारास लीला का दर्शन करने के लिए चल दिए। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए। ओ भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ तेरे साथ में
चाहे ब्रज में भारी मुझे दिखाओ प्यारी गोकुल में
मेरे भोले बाबा तब से गोपेश्वर पड़ा नाम है। वृंदावन में कैसा सुंदर, वृंदावन में कैसा सुंदर सुख में बनाया त्रिपुरारी। रख लो लाज हमारी बगल में पति जी बना के हारी हमारे त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं पार्वती जी बना के हारी हमारे त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में की नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए हैं, आ गए हैं इतने भोले भंडारी बल्कि नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं पार्वती जी बना के हारी नाम ने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। जय जय श्री राधे श्याम। भूत बावन भोलेनाथ महाराज लीला में सम्मिलित होने के लिए आए। काम ने सोचा इससे सुंदर अवसर और कोई नहीं हो सकता। अब हम भगवान कृष्ण को आज हम पकड़ लेंगे, क्योंकि मध्यरात्रि का समय सारे ब्रज की गोपियां और अकेले कृष्ण राम के अवतार में तो हमने उन्हें नहीं परास्त कर पाया, लेकिन आज हम उन्हें जरूर पकड़ लेंगे। कन्हैया ने भी चैलेंज किया था काम को, आ जाना। महाराज लीला प्रारंभ हुई, गोपियां कृष्ण का चिंतन करते करते कृष्ण ही बन गई। काम जब आया और देखा कि कृष्ण के अलावा और कोई है ही नहीं, कृष्ण के अलावा कोई नहीं है, काम ने धनुष बाण रख दिया, प्रणाम किया और वापस हो गया। एकाकार हो गया था, एकाकार हो चुका था। गोपियां और कृष्ण हैं कैसे, आपने देखा होगा जैसे समुद्र में लहरें, गोपियां और कृष्ण जैसे समुद्र और समुद्र की लहर। अच्छा, लहर बनती है ना समुद्र में, बोलो समुद्र में बनती लहर, लहर बनने से समुद्र पे कोई फर्क पड़ता है? लहर बनने के बाद भी समुद्र के अस्तित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लहर के मिटने पर भी समुद्र पर कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। अच्छा, लहर अलग है और समुद्र अलग है। जैसे लहर और समुद्र एक ही है, लहर के बनने से समुद्र पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लहर के मिटने से समुद्र पर कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही हैं। लहरों के समुद्र में समाहित होने के बाद भी समुद्र है और लहर के अलग होने पर भी
लहर समुद्र से अलग नहीं है और समुद्र के अस्तित्व पर कोई फर्क नहीं है। जैसे दर्पण में देखने वाला भी वही है, दर्पण में देखने वाला भी कौन है बोलो, वही है और दिखने वाला भी वही है। जैसे दर्पण में देखने वाला भी वही है और दिखने वाला भी वही है, ऐसे ही गोपियां और कृष्ण दोनों एक हैं, अलग नहीं है। आज दोनों एक हो गए, काम हार करके चला गया, महारी रासलीला चलने लगी, कृष्ण रस का पान करती हुई गोपियां परमानंद को प्राप्त हो रही हैं। कन्हैया ने राधा जी को उठा करके अपने कंधों पे बिठाया तो राधा जी ने समझ लिया कि अब हमसे ज्यादा भाग्यवान दुनिया में कोई नहीं है, हमारे जैसा भगवान का प्यारा कोई दुनिया में नहीं है। और जहां अहंकार आया समझ लो परमात्मा ने छोड़ दिया। अहंकार भगवान का भोजन है और अहंकार को डमरू कहा गया है, ये दोनों तरफ बजता है, ज्ञान में भी बजता है और अज्ञान में भी बजता है। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, ये भी अहंकार है। मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, ऐसा अभिमान आ जाना भी अहंकार है। समझ लो भक्ति पूर्ण नहीं है। जहां सब कुछ लय हो जाए, स्वयं का बोध न रहे, वही परमात्मा चिंतन है, वही भक्ति है। हमारे शास्त्र में एक अहंकार होता है, एक लेसा अभिमान होता है, एक अभिमान और एक लेसा अभिमान। अभिमान कौन सा है, जैसे गिलास में आपने दूध को रख दिया और सुबह आपने उस दूध को, उस दही बन गया, दही को करके रख दिया और सुबह अपने आपने उस दही को पूरा पलट लिया और उसमें पुनः दूध करके रख दिया तो फिर वो दूध दही बन जाता है। क्यों? आपने तो पूरा पलट लिया था लेकिन फिर क्यों दूध का दही बन गया? क्योंकि पलट तो लिया था लेकिन उसमें जो चिपक गया था वो नहीं छुटा था, उसने ही दूध को फिर दही बना दिया।